क्वेश्चन समझो आप, क्वेश्चन कैसा होता है, क्वेश्चन के अंदर जो भी आपका प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन आ रहा है, एक तो लिखा रहता है आपका क्वेश्चन, दिस पार्ट इज नोन एज द बॉडी ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन की बॉडी कहते हैं इसे, जो आपका क्वेश्चन फ्रेम करा गया, ठीक। ये जो आपके ऑप्शन रहते हैं उनको बोला जाता है आइटम्स, ये आपका बॉडी, ये आइटम्स। अब आपका जो बॉडी ऑफ द क्वेश्चन है दैट इज गोइंग टू टेल यू प्रिसाइसली अबाउट व्हाट क्वेश्चन इज गोइंग टू बी आस्क्ड, ठीक है, वो पूछा जाएगा। आपका क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल बॉडी से हमेशा चेंज नहीं होगा, क्वेश्चन का डिफिकल्ट मतलब आपके बॉडी में अगर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे कोसी, लेट्स रीफ्रेम दैट क्वेश्चन, कोसी इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर, नहीं आई एम नॉट आस्किंग द आंसर, आई एम आस्किंग यू टू एब्जॉर्ब द क्वेश्चन विच आई आस्क्ड, कोसी इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर, दैट्स द क्वेश्चन। ये हो गया बॉडी, अगर उसी बॉडी को डिफिकल्ट करना है तो कैसे पूछेंगे, कोसी इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर एंड विच साइड, अगर और टफ करना है तो इसमें और स्पेसिफिकेशंस जोड़ सकते हैं, लेकिन केवल इतना कि कोसी इज द ट्रिब्यूटरी टू विच रिवर को क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल हम लोग केवल और केवल आइटम चेंज करके कर सकते हैं, आइटम मतलब ऑप्शंस, कोसी इज द ट्रिब्यूटरी टू विच रिवर, ठीक, उसमें सारे ऑप्शन दिए, एक गंगा दिया है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आसान, ठीक है। अभी दिया है रिवर्स की स्टार्टिंग पॉइंट, टू विच रिवर, द रिवर दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम गंगोत्री, द रिवर दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम यमुनोत्री, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। अब वो पूछेगा द रिवर दैट ओरिजिनेट्स प्रिसाइजली एट द प्लेस, और डिफिकल्ट करना है तो पूछेगा द रिवर विच फाइंड्स इट्स फर्स्ट मीटिंग पॉइंट फ्रॉम सम पर्टिकुलर प्लेस, योर क्वेश्चन इज नॉट चेंजिंग ओवर हियर, बॉडी ऑफ द क्वेश्चन इज नॉट चेंजिंग, बॉडी ऑफ द क्वेश्चन इज गोइंग टू रिमेन द सेम, आइटम्स आर गेटिंग डिफिकल्ट, ऑप्शंस आर गेटिंग डिफिकल्ट। अब ऐसे केस में अगर कोई एक ही जगह से नदी निकल रही है, अमरकंटक जैसे हो गया, दो नदी निकलती, कौन सी निकलती थी याद है ना, यूपीएससी का आया हुआ क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन अगर हम क्वेश्चन से करेंगे, अब ये यूपीएससी का आया हुआ क्वेश्चन है, इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, पूछ सकता है वोटर तो ड्रेनेज सिस्टम में क्या देखना है, कैसे देखना है, कहां पता चलेगा, यूपीएससी के क्वेश्चन से, ठीक है, कौन से रिवर वो थे, रिवर प्रोजेक्ट्स कौन सी, ये चीज थी बेसिक, बेसिक सबसे बड़ा कौन सा था, आर्टिफिशियल कौन सा, ये सारे तो एकदम बेसिक है, मतलब ये सारी चीज तो पता होनी चाहिए, ठीक है, क्या यहां पर कोई डराने की वाली बात नहीं हो रही, लेकिन ये है कि फंडामेंटल है, फंडामेंटल अगर हम नहीं जान रहे हैं इसका मतलब गलत दिशा में दौड़ रहे, ठीक है, उस रिवर की ट्रीटी के ऊपर आगे क्या हो गया और उसमें कौन आगे क्या मिलता है वो सब बात की बात है, पहले ये तो हमें समझ में आया कि कौन सी चीज़ कहाँ से निकल रही है, और ये सारी चीज़ अगर रिलेट करके पढ़ोगे तो और अच्छा, क्योंकि ज्योग्राफी में भी हर चीज़ जो आई है वो किसी ना किसी कारण से आई है, अगर हिमालय हिमालय वाली जगह पर है क्यों है, कुछ कारण है, अगर नर्मदा इस तरफ बहती है उल्टी तरफ तो क्या है, कुछ कारण है, अगर सोन ऊपर की तरफ जा रही है तो क्या है, कुछ कारण है, अगर डेल्टा इस तरफ बन रहा है तो कुछ कारण है, तो अगर ये चीज़ हम लोग रिलेट करके पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली याद भी रहेगा। खैर क्वेश्चन ये है कि बॉडी आपका अकेला नहीं है जो क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल बढ़ाएगा, आइटम्स बढ़ा सकते हैं, तो यहां पर जब भी आपको कोई ऐसा क्वेश्चन दिखे, आप दो तरीके के क्वेश्चन होंगे, या जिसकी बॉडी डिफिकल्ट हो और या जिसके आइटम यानी कि ऑप्शंस डिफिकल्ट हो, दोनों चीजें साथ में जाएंगे तो वो तो आंख बंद करके छोड़ देना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा दे नहीं सकते, ठीक है। आइटम जिसके डिफिकल्ट है वहां पर जो अपना बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर होल्ड है उससे आप मेजरली एलिमिनेट कर ले जाओगे, या फिर आपको डायरेक्टली आंसर पता रहेगा, लेकिन वो वहां पर कहां से आता है, वहां पे आपका फियर आता है, क्योंकि आपको ऑप्शंस नए से दिखते हैं। तो एक एग्जांपल की बात है, गंगा को अगर वो लिख दे द रिवर विच इज रिवर्सली स्पेल्ट एज गंगा हुआ, अब AGNAG अंगनग, ठीक है, अगर मान लो वो ये करके बोलते हैं द रिवर विच इज रिवर्सली स्पेल्ट एज ये, तो दिस इज नथिंग जस्ट द प्ले ऑफ वर्ड्स, ऐसा करेगा नहीं, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, दिस इज जस्ट द प्ले ऑफ वर्ड्स, तो वहां पे आपको कोई टेंपर नहीं लूज करना है, उसने ऊपर सिंपल पूछा हुआ है ना, कोसी किसकी ट्रिब्यूटरी है,
तो आप ये देखो कि वो आइटम में क्या बोल रहा है, ऑप्शन में क्या बोल रहा है। तो अगर जब आप बोलोगे देखोगे द रिवर विच इज रिवर्सली स्पेल्ट एज, तो यहां पर आप क्या लिखोगे सबसे पहले, हो गया आपका आंसर। ये सब कब आएगा, जब आपका फंडामेंटल कंटेंट पर होल्ड होगा, तभी आप आइटम की डिफिकल्टी को समझ सकते हो या आइटम की लैंग्वेज को समझ सकते हो या ऑप्शंस की लैंग्वेज को। अब आती है बात बॉडी डिफिकल्ट। बॉडी डिफिकल्ट दो तरीके से होती है फिर से। एक बॉडी डिफिकल्ट करने का तरीका क्या है कि क्वेश्चन को ही बहुत कॉम्प्लिकेट कर दिया जाए। एक बॉडी को डिफिकल्ट करने का तरीका है कि आप लैंग्वेज को टफ कर दो, थोड़ी घुमावदार लैंग्वेज, जैसे जिन जो लोग तैयारी कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में थोड़ी सी रहती है टफ, उस तरीके की लैंग्वेज अगर कर दी जाए तो क्या हो गया, आपका क्वेश्चन टफ हो गया। ये दोनों में आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। ये दोनों कब आइडेंटिफाई होंगे, जब हमने पुराने साल के पेपर देखे। अगर आप इन दोनों में आइडेंटिफाई कर लेते हो तो जिसकी लैंग्वेज टफ है उसमें अगर आपका एक्सप्रेशन ठीक हो चुका है उस समय तक, तो आप आसानी से आइडेंटिफाई कर लोगे। दिस इन इटसेल्फ प्लस द ऑप्शन वाली अंडरस्टैंडिंग इज इजीली गोइंग टू इंक्रीज योर मार्क्स समवेयर बाय 30-40% हो जाएगा, उसमें उतना इशू नहीं है। लेकिन वो इशू कब आएगा, जब हम लोग ये चीज पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब यही सारी अंडरस्टैंडिंग जो है, ये बिना इस अंडरस्टैंडिंग के आप क्वेश्चन कैसे देखते हो, अभी तक क्वेश्चन कैसे देख रहे थे, ये क्वेश्चन है ये ऑप्शन है सही बताओ यही तो था, दो मिनट में होना चाहिए। उन सबसे पहले हमें ये तो समझ में कि डिजाइनिंग के पीछे क्या जा रहा है, क्वेश्चंस में क्या है, बॉडी में क्या है, ऑप्शंस में क्या है, और हमारा खुद का एनालिसिस कैसा होना चाहिए। जितना हमें क्वेश्चन पेपर करने में टाइम लगता है ना 1.5 घंटा, उसका कम से कम 3-4 times हमें उसे एनालाइज करने में जाना चाहिए। तो एक्चुअली एक पेपर का अगर आपका 2 घंटे का टाइम है तो आपके उस पर कहीं 8-10 घंटे जाएंगे, चाहे एक दिन में जाए चाहे 2 दिन में। लेकिन इस तरीके से आप 10 पेपर भी कर लो, दैट मीन्स अराउंड 1000 questions, और 5 पेपर भी कर लो तो भी यू विल सी इंप्रूवमेंट इन योर सेल्फ। क्यों? क्योंकि आप गलतियां देख रहे हो अपनी, आप गलतियां सुधार रहे हो, कंटेंट के ऊपर आप स्टैंडर्ड जगह से काम कर रहे हो, क्वेश्चंस आप समझने के लिए और प्रैक्टिस करने के लिए यूज कर रहे हो, कंटेंट के लिए नहीं यूज कर रहे हो। तो आपका कंटेंट भी तो लिमिटेड हुआ। कोई भी चीज आप दो तरीके से समझ सकते हो, या तो बस में कोई खड़ा हुआ है और एकदम से ब्रेक लगे और आगे गिरे, ठीक है, या फिर कोई गाड़ी चल रही हो, घूम रही हो, उसका फोर्स बाहर की तरफ आए, या तो आप इन सारे फोर्सेस को देख लो पहले, फिर इसकी एक अपनी थ्योरी लगाना, ये हो गया बॉटम अप अप्रोच, आपने देखा सीखा फिर गए ऊपर, या फिर आप समझ लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, समझ लो, जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझ लोगे उसके बाद ही अप्लाई करोगे ना, उल्टा तो नहीं चलोगे। हर किसी को तो एप्पल करने का मतलब नहीं पता होगा ना, ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट तो नहीं निकलेगा वहां से। ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट पता है तब तो हमें पता है कि हाँ चीज नीचे क्यों गिर रही है। किसी भी कॉन्सेप्ट को अप्लाई हम लोग वो क्रिएट नहीं कर रहे, तभी तो रिसर्च में नहीं जा रहे हो। आपको कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन आना चाहिए। व्हाट इज सिविल सर्विसेज अबाउट? इट्स एप्लीकेशन ऑफ योर नॉलेज एंड योर अंडरस्टैंडिंग एंड द वे यू आर अ सिविल सर्वेंट। वहां पर जाकर कोई आपसे ये थोड़ी ना बोलेगा, गांव में अगर कोई प्रॉब्लम हुई है, शहर में कोई प्रॉब्लम हुई, दंगा फसाद होगा, ये थोड़ी ना पूछेगा आपसे आके कि मेरे राइट्स क्या हैं, सिविल राइट्स बता दो मेरे। दंगा फसाद होगा तो आपको मैनेज करना पड़ेगा। कोई अगर लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम आएगी, कहीं कुछ फेमाइन होगा, फ्लड होगा, वो समस्याएं सुलझानी पड़ेगी। वहां पर जो आपकी नॉलेज जितनी काम में आती है वो काम में आएगी। ट्रेनिंग मिलेगी वो एक अलग बात है, वहां ये थोड़ा पूछेगा कौन से कॉन्सेप्ट बनाने हैं आपको। दिस इज द वेरी फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग जिस तरीके से आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। तो यहाँ 2-3 चीजें हो गई हैं जिसको हम लोग एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं।